नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से बनी हुई बेहद ही स्वादिष्ट खास मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना गैस जलाए, सिर्फ कुछ ही सामान से, जिसके आगे सभी मिठाई फेल हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस खास मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ ब्रिटानिया का मारीगोल्ड बिस्किट लिया है, क्योंकि इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। ये पिसी हुई चीनी, कद्दूकस किया हुआ गड़ी, सूखा नारियल, बादाम, काजू टुकड़ों में कटे हुए, इलायची, इसका मैं पाउडर बनाऊंगी, देसी घी और चॉकलेट पाउडर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसमें मैंने एक दिन का फ्रेश मलाई लिया है और दूध। सबसे पहले बिस्किट को हम इस तरह तोड़ लेंगे। मैंने यहाँ बिस्किट को तोड़कर इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लिया है। अब इसे एक छलनी की सहायता से छान लेंगे। ये छानने से हमारे पास एक अच्छा सा पाउडर आ गया है और ये कुछ टूटे हुए बिस्किट ऊपर है, इसमें मैं और बिस्किट डालकर इसका एक पाउडर बनाऊंगी। यहाँ मैंने सारे बिस्किट को पीसकर इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लिया है। अब मैं इसमें हरी कुटी इलायची डाल दूंगी और एक चम्मच देसी घी, डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने यहाँ अच्छे से घी को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ये फ्रेश मलाई डालूँगी। ये बिस्किट काफ़ी फीका होता है, इसमें चीनी की मात्रा कम होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी लिया है। करीब 4 चम्मच चीनी मैंने इसमें यहाँ डाला, मिला ले इसे अच्छे से। मैंने चीनी का पाउडर घर पर ही तैयार किया था, वही मैं इसमें डाली हूँ और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे, सख्त डो। मैंने यहाँ इसे बहुत अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसका मैं 3 भाग करूँगी।
बाकी के दो भाग मैं यहाँ रख रही हूँ। अब मैं इसमें चोको पाउडर मिलाऊंगी। अब मैं इसमें कुछ कटे हुए बादाम और काजू डाल रही हूँ, डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आधा चम्मच घी, थोड़ा सा दूध और एक सबसे खास चीज़ ये चॉकलेट पाउडर। इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। तकरीबन एक चम्मच चॉकलेट पाउडर डाल लें और अच्छे से मिला लें। अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर ना हो तो आप यहाँ चॉकलेट सिरप या कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकती हैं। मिला ले इसे अच्छे से। यहाँ मैंने अच्छे से चॉकलेट पाउडर और ड्राई फ्रूट को इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इस एल्युमिनियम फॉइल पर हल्का सा घी लगाकर इसे रखा है। आप यहाँ जो शेप देना चाहे दे सकते हैं, मैं यहाँ स्क्वायर शेप दे रही हूँ। यहाँ मैंने एल्युमिनियम शीट में इसे रख लिया। अब इसे अच्छे से फोल्ड करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। ये बाकी के जो दो डो हैं इसे हम मिला लेंगे। मिलाकर इसे एक बेलन की सहायता से बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से, आप चाहे तो उंगलियों से भी प्रेस कर सकते हैं इस तरह से। मैंने यहाँ हल्के हाथों से इसे स्क्वायर बेला है। अगर आपका ये स्क्वायर ना हो तो आप एक चाकू की सहायता से स्क्वायर कर लें। किनारे अगर मोटे हो तो उसे भी बेलकर बराबर कर लें। ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे। पतला बनाने पर ये हमारा टूट जाएगा। ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया। ये मैंने इसे अंदर रख लिया। अब बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से बिल्कुल सावधानी के साथ मोड़ लें।
अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया बना है ये। मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ। अब हमारे महानायक अमिताभ बच्चन और उनका परिवार स्वस्थ हो रहा है। उनमें काफ़ी सुधार है। हमारी मनोकामना है कि हर वो व्यक्ति जो COVID-19 से लड़ रहा है उन्हें प्रभु जल्द ही ठीक होने में मदद करे। हमें बाहर का मिठाई भी खाने से बचना होगा। ध्यान देना होगा कि हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत बनी रहे ताकि हम ऐसी बीमारियों से बच सके। आने वाले समय में हमारे नज़दीकी त्यौहार रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस आ रहे हैं, सो आप इन मिठाइयों को घर पर ही बनाएं और अपने भाई परिवार के साथ मिलकर खाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।